तो भाई स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और भाई आज मैं लेकर आया हूँ कोमाकी की गाड़ी, जो अभी हमने 4-5 महीने पहले ली थी। तो इसमें अभी हमारे को एक दिक्कत हो गई थी, तो जो भाई है वो परेशान हो गया था। तो फिर उन्होंने हमारे पास सर्विस के लिए भेजी है इसका। एक तो बिल्कुल ब्रेक जो है बिल्कुल जाम हो रहा था, पता नहीं किस रीज़न से। तो फिर हमने ब्रेक को फ्री किया, और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ रही थी कि इसके जो चाबी चालू नहीं हो रही थी। फिर पता नहीं हम जब रास्ते में ला रहे थे तो ऑटोमेटिक चाबी चालू हो गई, और उसके बाद गेयर वेयर कुछ भी सो नहीं हो रहे थे। और फिर रीज़न ऐसा हुआ कि हम अपनी वाले इलेक्ट्रिक बाइक से टो करके ला रहे थे, तो रास्ते में हो गई फिर उसकी बैटरी डिस्चार्ज। तो फिर हमने लगाया एक जुगाड़, और फिर उस वाले की हमने बैटरी मतलब कोमाकी की बैटरी निकाली। और ये देख सकते हो इसकी पिन सेम थी, तो हमने सोचा ये वाली बैटरी लगा लेते हैं। फिर ये बेहतर वोल्ट थी, तो इससे हमने इसमें लगा के फिर उसको टो करके लाए थे। तो टो करते वक्त तो मैं गाड़ी की वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी समझ में नहीं आ रहा उसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब उसमें 12 वोल्ट करंट की सप्लाई तो हमारे को सो हो रही है, 12 वोल्ट सारी चीज़ें काम कर रही है, लेकिन जो गेयर वेयर जो भी बताने होते हैं वो सारी चीज़ें नहीं बता रही है। तो ये अपनी 62.8, अभी मैंने इसको 10 एम्पियर वाले उस बाइक के चार्जर से चार्जर लगाई हुई है, तो अभी इसमें 25% चार्ज बता रहा है ये। तो देखते हैं अभी कब तक पूरी चार्ज हो जाती है। तो ये देख सकते हो आप कोमाकी की बाइकों के साथ क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी कल उस बाइक को पूरी को खोलेंगे और उसकी पूरी सर्विस होनी है, उसमें देखना पड़ेगा कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है जो 12 वो बेहतर वोल्ट पावर वापस स्विच का जाता है कंट्रोलर में, वो वाली लाइट नहीं जा रही उसमें। तो जो उसके ओनर थे वो बुरी तरीके से परेशान होकर उन्होंने गाड़ी अभी हमारे को दी है सर्विस के लिए। तो अभी देखते उस गाड़ी काफ़ी ओनर परेशान हो रखे थे, तो फिर और हवा हमारे इधर दिलाई हुई थी गाड़ी, तो हमने बोला भाई हमारे पास लेके आओ, तो बहुत ला नहीं पाए, तो हम ये ले गए थे। तो ये भी डिस्चार्ज हो गई, फिर हमने कैसे कैसे जुगाड़ लगाया और उस वाली बैटरी को इस बाइक पर बांध के पिन लगा के और लेके आ गए। कम से कम हम 10-15 किलोमीटर टो करके लाए थे, तो अभी फाइनली घर पे तो आ गया है। और अभी बैटरियाँ दोनों इसके बंधी हुई है, और बाकी मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि इसमें दिक्कत क्या आई है। फाइनली जो भी उसमें मैं करूंगा और जो भी दिक्कत आई है, देखो उसमें एक तो जो ब्रेक पैड है वो गए हुए है, और बाकी वायरिंग वगैरह का मेरे को लग रहा है कोई ना कोई इश्यू है, क्योंकि वो भाई मतलब जब ब्रेक स्विच चले गए थे उसके बाद भी चला रहा था, तो मोटर काफ़ी हीटिंग वगैरह से वायरिंग सोल्ड हो सकती है कहीं ना कहीं। तो देख दे क्या फॉल्ट आता है कल, और जो भी है नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा और आपको सारी चीज़ें बताऊंगा उसकी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आप अगर कोमाकी ओनर हो और आपको कोई भी नॉलेज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना कि किस बारे में आपको वीडियो चाहिए, मैं सारी आपको बता दूंगा उसके बारे में। और भाई आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अपनी वर्कशॉप का काम चालू हो गया है, तो इस कमरे में अपन अभी सारी अपना वर्कशॉप का प्रोसेस रखने वाला है, कि मतलब जो भी अपने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों से रिलेटिव जो भी काम होगा कारों का बाइकों का, तो वो सारा काम अब भाई इसको पूरा खाली करके अभी सफाई वगैरह काम चल रहा है, कलर वगैरह हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपन इसी में करने वाले हैं। क्योंकि यार और अभी आप बाहर भी देख सकते हो काफ़ी अटाड़ा हो रखा है, पूरा बिखर रखा है, तो सारी चीज़ों को सही से एडजस्ट करना है। और अंदर तो अपन अभी मेन चीज़ें रखेंगे बाकी, और यहाँ अपने जो भी पाने वाने हैं बोल्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, और वो मैं पूरी कंप्लीट करके बाद में आपको दिखाऊंगा फाइनली क्या व्यू रहेगा। वो सारी चीज़ें अपन यहीं पर रखने वाले हैं, तो यहाँ अपने मशीन वगैरह का भी सिस्टम है और सारी चीज़ें यहीं पर ही है। और अभी तो सारी चीज़ें जुगाड़ से है, तो धीरे धीरे अभी काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ऐड करके जो भी लगा रहे हैं जो भी कर रहे हैं मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगा। और ये देखिए आप तो जुगाड़ भाई खतरनाक दिमाग लगाया, आज तो मज़ा आ गया। अगर ये जुगाड़ नहीं लगाता तो हमारे को दोनों को बाइकें ख़राब हो चुकी थी, बहुत मुश्किल होती लाने में। तो फिर हमने कैसे कैसे दिमाग लगा कर इस बैटरी को यहाँ पे बांध के किया अटैच, और आगे हो आराम से घर पे, और ये चार्ज हो रही है। बस यही आज की वीडियो में।